हर महादेव मित्रों, आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों का यह उत्सव बहुत ही सुखद और अच्छा रहा होगा और बड़े प्रेम से आप लोगों ने होली मनाई होगी। मित्रों, बहुत सारे लोग फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे या मेरे चैनल पे ये पूछ रहे हैं कि होली वाला कार्यक्रम जो बनारस का कार्यक्रम है, विशेषकर जिसमें द्वियर्थी भाषा में या यूं कहूँ कि गलियों में कविताएं पढ़ी जाती हैं, वह कब होगा, कहाँ होगा? तो देखिए, उसके बारे में सूचना यह है कि जब से कोरोना आया है तब से यह कार्यक्रम बंद है। पहले यह कार्यक्रम मैदागिन के टाउन हॉल में होता था, अब वहाँ टाउन हॉल में नगर निगम ने पूरी पार्किंग बना दी है, फोर व्हीलर टू व्हीलर गाड़ियाँ वहाँ पार्क होती हैं, तो वहाँ का मैदान समाप्त हो गया है और बाकी कहीं कराने के लिए परमिशन नहीं मिल पा रहा था जो आयोजक हैं। क्योंकि मैं आयोजक नहीं हूँ, मैं मात्र एक कवि हूँ, मैं कविताएं लिखता हूँ और काव्य पाठ करता हूँ। क्योंकि इसमें आप लोगों का बहुत अधिक प्रेम मिलता है, बहुत अधिक दबाव रहता है, लोग बाहर से, प्रदेश से नहीं बल्कि प्रदेश के बाहर से भी लोग इसे सुनने के लिए स्पेशली बनारस आते हैं उस दिन। तो इस बार पंडित राजू त्रिवेदी एवं उनके अन्य सहयोगियों ने अथक प्रयास करके परमिशन प्राप्त किया और यह कार्यक्रम संक्षिप्त रूप में हुआ भी है, परंतु रिकॉर्डिंग की किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं थी। अभी यह पहला साल है, हो सकता है भविष्य में इसका रूप भव्य हो जाए, क्योंकि श्रोताओं को भी कोई जानकारी नहीं थी, बनारस के भी, काशी के भी सारे श्रोताओं को कोई जानकारी नहीं थी कि यह कार्यक्रम कहाँ हो रहा है, किस जगह हो रहा है। तो इसकी वीडियो तो नहीं, ऑडियो है और ऑडियो मेरे इस चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी, आज या कल भर में ये ऑडियो मिलेगी। इसके पहले मैं बता दूं कि इस कार्यक्रम के पहले सामान्य हास्य कवि सम्मेलन होता है, वहाँ भी होता था मैदागिन में। तो प्रारंभ का जो ऑडियो है वो हास्य कवि सम्मेलन का है, जिसे आप परिवार के साथ भी, बच्चों के साथ भी या अपने मित्रों के साथ भी आनंद ले सकते हैं। हालांकि द्व्यर्थी बातें हैं, चूँकि होली का माहौल रहता है और बनारस को जो लोग जानते हैं, काशी को जो लोग जानते हैं, यहाँ की परंपरा को जो लोग जानते हैं, उन्हें कुछ बताने की अलग से आवश्यकता नहीं है। अब ऑडियो वाली रही बात, तो मित्रों मैं देखने की चीज़ तो हूँ नहीं, बड़ा सुंदर भी नहीं हूँ, बहुत अधिक अब यौवन भी शेष नहीं है, तो देखने के लिए तमाम सुंदर चीज़ें हैं जो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग मुझे सुनने आते हैं तो सुनने भर का काम आप लोगों के प्रेम और आप लोगों के आग्रह पर मैं किसी तरह ये कर रहा हूँ। तो पहला जो ऑडियो आज अपलोड हो जाएगा वह सामान्य कार्यक्रम, सामान्य कवि सम्मेलन का हास्य का रूप है। कृपया आप लोग आनंद लें और अपना प्रेम ऐसे ही बनाते रहें। मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि आप लोगों के इस प्रेम पे, आप लोगों के इस चाहत पर मैं खरा उतरूं। धन्यवाद, फिर से आप लोगों का बहुत बहुत आभार आपके प्रेम के लिए, समर्थन के लिए। हर हर महादेव।